अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं इसी वाला मेकअप का लुक बताने वाली हूँ। जी हाँ, इन डिटेल्स में मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल आसान स्टेप से। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना है आपको। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वो लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं जैसे कि वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो वो लोग भी इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। बट आपको इस एक बात का अच्छे से ख्याल रखना होता है कि ये मेकअप जो है आप दिन में ही यूज़ करें। जी हाँ, नाइट के लिए मेकअप अलग होता है। वहाँ पर आपको मैं कुछ सजेस्ट कर दूँ, डार्क लिपस्टिक जैसे कि रेड लिपस्टिक, रेड ब्लश यूज़ कर सकते हैं। बट डे के लिए आपको थोड़ा सा सॉफ्ट मेकअप ही क्रिएट करना होता है जो कि आपके चेहरे पर भी अच्छा सूट हो और देखने वालों को भी बहुत अच्छा दिखे। जब भी आप दिन में डार्क हैवी बोल्ड लिपस्टिक लगाकर चले जाते हैं ना, तो बहुत वाला ऑकवर्ड वाला लुक दिखता है। तो उसको आपको अवॉइड करना है। तो आपको सॉफ्ट लुक ही दिन में क्रिएट करना है, और नाइट में अगर आप करना चाहते हैं तो डार्क लिपस्टिक के साथ यू कैन गो इट विद दैट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेकअप से पहले स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने क्लेंजिंग कर लिया, कौन से भी नॉर्मल फेस वॉश आप क्लेंज कर लेना अपने फेस को। सेकेंड मैं यहाँ पर ले रही हूँ टोनर जो कि प्लम बल्जेरियन वैली रोज वाटर टोनर ले रही हूँ। टोनर जो हमारे पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। थर्ड मैं यहाँ पर ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट भी करता है और इसके साथ साथ आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करके रखता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पॉन्ड्स का लाइट वेट मॉइस्चराइज़र। आप कौन सा भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिप्स को भी अच्छे से हाइड्रेट करना होता है। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ बंजारास का लिप एलोवेरा लिप बॉम, आप देख ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी स्किन टोटली कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुकी है मेकअप के लिए। अब हम मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट आता है प्राइमर। प्राइमर एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देगा। अगर आपके ओपन पोर्स है तो ये मेकअप के प्रोडक्ट्स को ओपन पोर्स में फिल होने नहीं देगा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ हुदा ब्यूटी का एलिमिनेटिंग प्राइमर एज ए मेकअप बेस की तरह। आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है, फिर इसे सूखने देना। इसके बाद ही आपको जो एडीएस का मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर, डबल एक्शन कंसीलर यूज़ करें। आपको इसी तरह से ही कंसीलर अप्लाई करना है जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है हाई पॉइंट्स पे। इससे आपके डार्क सर्किल्स, कुछ एक्ने स्पॉट्स है, एक्ने स्कार्स है, वो भी सारे कवर अप हो जाएंगे। एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपको इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ MN जनरेशन 2 का फाउंडेशन और इसका शेड है बी वाला फाउंडेशन, इसका शेड है। यहाँ पर मैं डॉट्स कर अप्लाई कर लूँगी और डॉट्स करने अप्लाई करने के बाद अच्छे से एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से इस फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। और याद रखिए ब्यूटी ब्लेंडर आपका गीला होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है। इससे आपको फ्लॉलेस बेस नहीं आएगा। अगर फ्लॉलेस बेस चाहिए तो ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ी देर पानी में रखिए, फिर इसका यूज़ कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर इस कॉम्पैक्ट को यूज़ कर रही हूँ जो कि हमारे क्रीम प्रोडक्ट को सेट करके रख देगा। ADS का है ये। नेक्स्ट यहाँ पर मैं चिक्स एंड आइज़ का मैल्यू आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ आइज मेकअप करने के लिए। यहाँ पर मैं फर्स्टली क्रीज लाइन क्रिएट कर लूँगी ताकि अच्छे से हमारा आई मेकअप जो है पॉप आउट होके नज़र आए, जैसे मैंने अप्लाई कर लिया। आप नेक्स्ट यहाँ पर मैं पिंक कलर का शेड ले रही हूँ जैसे कि मेरा मेकअप का लुक है जो कि पिंक पे ही डिपेंड है। थीम पिंक वाले शेड से ही मैं आई मेकअप कर लूँगी और टोटली जो मेरा मेकअप है पिंक थीम में, पिंक थीम ही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ मैल्यो का पिगमेंटेड पाउडर जो कि गोल्डन कलर में। थोड़े मेरे आईज़ को, आई मेकअप को जो है मुझे पॉप आउट करना था, तो इसलिए मैंने इस शिमरी वाला लुक ऐड कर लिया। आप चाहते हो इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास कोई पिगमेंटेड पाउडर नहीं है तो, या फिर कोई शिमर आई शेडो है तो आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों सेट भी अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ हिला रोडिया का ब्लशर जो कि मैं एज ए ब्लशर की तरह पिंक शेड उठाकर अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है, 4x की स्पीड में भाई, वरना वीडियो बहुत हो जाएगी लंबी, इसलिए मैंने इसे 4x स्पीड में लगा दिया है। इस तरह से आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ब्लशर अप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट मैं मेकअप एंड मोर का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। अपने ब्लशर को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पर अपने चीक्स पर हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, अपने नोज़ पर, अपने चिन पर और नेक्स्ट ही अपने फोरहेड पर भी आपको अप्लाई कर लेना है जैसे हाईलाइटर का पार्ट होगा। नेक्स्ट हम अप्लाई कर लेते हैं ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर के लिए आपको इस तरह से फिश वाला फेस को क्रिएट करना होता है। नेक्स्ट आपको ब्रॉन्जर अप्लाई करना है। ब्रॉन्जर हम इसलिए अप्लाई करते हैं जो कि हमारा जो लुक है अच्छे से थोड़ा स्लिम दिखे, और आपको डबल चिन पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ब्लू हेवन का मस्कारा। ये थोड़ा सा छोटा सा पैक है मेरे पास क्योंकि फ़िलहाल तो मैं ज़्यादातर मस्कारा
स्मॉल साइज में ही लेती हूँ और ये बोल्ड मस्कारा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आईलाइनर पेंसिल है ये, जो कि ये 36H की आईलाइनर पेंसिल है। पता नहीं आप लोग इसे क्या नाम कहकर पुकारते हैं, यहाँ पर तो हांतिया बोल के भी कुछ लिखे हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आप क्या नाम से पुकारते हो। मैं तो इसे 36 आवर्स ही बोल के पुकारती हूँ। और नेक्स्ट मैं अपने आईज़ पर इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। और जो आईलाइनर जो है मुझे फ़ोन के कैमरे से देखकर अप्लाई नहीं होता, तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ MN जनरेशन 2 की लिपस्टिक लाइनर और इसे अच्छे से मैं फिर आउटलाइन कर लेके अपने लिप्स को फिलअप कर लूँगी। ये देख लीजिए हमारी लिपस्टिक भी हो गई। अब लास्ट में आपको एक मेकअप सेटिंग स्प्रे को, तो लीजिए ये रहा हमारा फाइनल लुक। होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया तो इसे दे देना है ढेर सारे लाइक्स और अपने पैरों के साथ भी शेयर कर देना है। और मैं आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको ज़रूर कमेंट कर बताना है कि ये वाला मेकअप का लुक आपको किस तरह से पसंद आया है और अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आप पे कितना अच्छा सा सूट करा है, तो ज़रूर वापस आकर कमेंट कर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।